हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चियोल सब जगह सेरी को ढूंढ रहा होता है उसे मारने के लिए, और फिर वो कैप्टन री को कॉल करके कहता है कि सेरी उसके पास है और वो वहाँ पे पार्किंग लॉट पे आ जाए। और कैप्टन री जब वहाँ पर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि चियोल के पास सेरी थी ही नहीं और वो कैप्टन री को मारने वाला था, लेकिन कैप्टन री को बचाने के लिए सेरी चिल्ला देती है और उसे कहती है कि चियोल झूठ बोल रहा है और मैं छुपी हुई हूँ। और एट लास्ट कैप्टन री और सेरी एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहीं से एपिसोड 12 की कहानी की शुरुआत करते हैं। और एट लास्ट कैप्टन री सेरी को बचाने के लिए सक्सेसफुल हो गया और वहाँ पे कुछ लोग भी पहुँच जाते हैं जिसकी वजह से चियोल को वहाँ से जाना पड़ता है। सेरी फिर अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देती है, लेकिन वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती क्योंकि इसकी वजह से कैप्टन री भी पकड़ा जा सकता था, इसलिए वो पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। लेकिन सेरी की सिक्योरिटी में से एक आदमी सेरी के छोटे भाई का आदमी था और वो उसे जाके बता देता है कि सेरी के घर में एक आदमी है, जैसे कि उसकी भाभी को ऑलरेडी शक हो गया था और वो शक अभी यकीन में बदल गया। न्यूज़ में हर जगह ये बात फैल गई होती है कि कोई नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आया है गुफा के जरिए, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। सब लोग कैप्टन री को ढूंढ रहे होते हैं। और नॉर्थ कोरिया से वापस आने के बाद सेरी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो गई थी, इसलिए कैप्टन री पे जिसने हमला किया था वो उन लोगों को ढूंढने लग जाती है। अपने पावर को यूज़ करके वो कुछ आदमियों को उनको लालच देती है कि जो भी उन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन लाएगा कि जिन्होंने कैप्टन री पे हमला किया है तो वो उनका सारा रेंट माफ़ कर देगी, यहाँ तक कि वो उनसे पैसे भी देगी। और दूसरे में कैप्टन री को दिखाया जाता है जो कि चियोल के बारे में जानने में लगाता है कि उसके पास इतने सारे आदमी कैसे आए जो कि उसकी मदद कर रहे हैं। और उसे पता चलता है कि जो आदमियों को उसने नॉर्थ कोरिया में इलीगली ट्रांसफ़र किया था अब वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। फिर हमें कैप्टन री के चारों साथियों को दिखाया जाता है जो कि सेरी को ढूंढने में लगे थे। वो उसके सारे एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने लग जाते हैं ताकि वो सेरी तक पहुंच सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तक कि चीज़ू एक चिकन की दुकान में काम करना शुरू कर देता है ताकि अगर सेरी कभी चिकन ऑर्डर करती है तो उसके घर जा सके, उसे सेरी का घर के बारे में पता चल जाए। इसलिए वो पूरे दिन चिकन डिलीवरी का काम करता है, लेकिन उसे सेरी का कॉल नहीं आता। और वो फिर जब खाना खा रहा होता है तभी कैप्टन री का फ़ोन आता है चिकन का ऑर्डर देने के लिए, लेकिन चीज़ू तो चीज़ू है भाई, वो अपने खाने में लगा हुआ था और वो फ़ोन नहीं उठाता। और बाकी दोनों साथी इंटरनेट पार्लर में जाते हैं ताकि वो इंटरनेट के थ्रू सेरी का पता लगा सके, लेकिन सेरी का पता लगाने की जगह एक ड्रामा देख रहा था और दूसरा गेम्स खेल रहा था, कोई भी सेरी के बारे में पता नहीं लगा पाता। फिर मैं कैप्टन री को दिखाया जाता है जिसे कंप्यूटर गेम्स की लत लग गई होती है और वो सिर्फ कंप्यूटर गेम्स खेलने में लगा हुआ होता है, यहाँ तक कि उसका एक दोस्त बन जाता है गेम में जिससे वो मिलने भी जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में उसे सेरी रोक लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम गेम्स खेल रहे थे और तुमने सामान खरीदा है उस गेम में, मुझे उसका नोटिफिकेशन आया है। इस पर कैप्टन री उसे मना कर देता है, लेकिन सेरी उसका झूठ पकड़ ही लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम उस प्लेयर को मिलने जा रहे हो, जिसे कैप्टन री हाँ कहता है, इसलिए सेरी उसे रोक लेती है। और बाद में हमें पता चलता है वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि कैप्टन री का साथी था, और कैप्टन री अभी फिर से उनसे नहीं मिल पाता। तो बेचारा युनदोंग कैप्टन री का वेट ही करता रह जाता है बिना जाने कि जिसका वो वेट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन री है। फिर हमें नॉर्थ कोरिया में सियोदान को दिखाया जाता है जिससे सोंगजुन फोन करके कहता है कि वो बीमार है, जिस पर सियोदान उस पर बिलीव नहीं करती। लेकिन बाद में सियोदान को सोंगजुन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए उसके घर चली जाती है और वो देखती है कि सोंगजुन बुखार में पड़ा है, इसलिए वो उसकी देखभाल करती है, उसे खाना बना के देती है। बाद में उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है, तुम कौन हो और साउथ कोरिया में क्या करते थे और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर सोंगजुन से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। इस पर सियोदान उसे कहती है कि मुझे ये पता चल चुका है कि तुम साउथ कोरिया में एक ठग थे और तुम सेरी की फैमिली के कुछ पैसे लेके भाग गए हो और यहाँ नॉर्थ कोरिया में छुपे हुए हो, लेकिन तुम लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाने का काम क्यों करते हो। जो सोंगजुन कहता है कि लोगों का पैसा ठगना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बदला लेना है। जब सियोदान पूछती है कौन सा बदला, जब सोंगजुन उसे अपनी सच्चाई बताता है कि सेरी की फैमिली के वजह से उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और उन्हें अमेरिका जाना पड़ा था, जिसकी वजह से सोंगजुन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए आया था साउथ कोरिया ताकि वो सेरी से शादी कर सके और उनका सारा पैसा अपने नाम कर सके। लेकिन सेरी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी और उसे सोंगजुन के बारे में ऑलरेडी पता चल गया था, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था, इसलिए सोंगजुन का प्लान चौपट हो गया। लेकिन वो फिर भी सेरी के छोटे भाई को उल्लू बनाने में कामयाब हो गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लालची था और उसके पैसे लेके यहाँ नॉर्थ कोरिया में छुपा हुआ है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो उससे बदला ले सके क्योंकि उनकी वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो गई थी।
हमें यहाँ पे सोंगजुन का दूसरी साइड देखने मिलती है। अभी तक हमने ऐसा देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेफिक्र किस्म का आदमी है और लोगों को ठगता है, लेकिन वो दिल का साफ था। लेकिन उसने सब इसलिए किया ताकि वो बदला ले सके। इसके बाद वो सियोदान से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं खुश हूँ या नहीं। इसके बाद वो सियोदान से कहता है कि मुझे लगा था कि उनसे पैसे ठगने के बाद मैं खुश होऊंगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन देखो मुझे, मैं अभी कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं खुश ही नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि शायद मैंने गलत किया। जब सियोदान कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा और साउथ कोरिया जाना होगा और तुम्हें जाके सेई की फैमिली से बदला लेना चाहिए, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। और सियोदान फुल सोंगजुन का सपोर्ट करती है। इसे देख के सोंगजुन भी दंग रह जाता है। फिर हमें सेई और कैप्टन री को दिखाया जाता है जो एक साथ शराब पी रहे होते हैं, और नशे में कैप्टन री सेई से कहता है कि वो यहाँ ही साउथ कोरिया में रहना चाहता है, उसे शादी करना चाहता है और उसे यहीं बूढ़ा होता हुआ देखना चाहता है। जिस पर सेई उसे कहती है कि मुझे सुबह तक ये सारी चीज़ याद नहीं रहेंगी, इसे तुम जो भी मुझे कहना चाहते हो तुम कह सकते हो, मैं इसे सुबह तक भूल ही जाऊँगी। और फिर कैप्टन री उसे अपनी सारी दिल की बात कहता है। फिर हमें सियोदान की माँ को दिखाया जाता है जो कि सियोदान को उसके कमरे में ढूंढ रही होती है, लेकिन सियोदान नहीं होती। इसका मतलब सियोदान पूरे रात भर सोंगजुन के घर पर ही थी, क्योंकि वो शराब पी के वहीं टून हो गई थी और सोंगजुन उसे संभाल रहा होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि सोंगजुन धीरे धीरे सियोदान से प्यार करने लगा था। फिर सेई की कंपनी में एक इवेंट हो रहा होता है और कैप्टन री के चारों साथी ये इवेंट के बारे में पढ़ लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इसी इवेंट में वो सेई से मिलेंगे। और दूसरी तरफ सेई कैप्टन री के हाथ में वही घड़ी देखती है जो कि उसने नॉर्थ कोरिया में उसके लिए खरीदी थी, यानी कि उसके बड़े भाई की घड़ी। कैप्टन री उसे कहता है कि तुमने बिना जाने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है ये घड़ी को खरीद कर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो कैप्टन री के बड़े भाई की घड़ी थी जिसमें सारे सबूत थे। और प्लान के मुताबिक कैप्टन री के चारों साथी और मानबॉक सेई की कंपनी में पहुंच जाते हैं सेई से मिलने के लिए, और वो वहाँ का सारा सामान खरीदने का दावा करते हैं और कहते हैं कि वो कंपनी के सीईओ से मिलना चाहते हैं, यानी कि सेई से। लेकिन यही सी बात है कि उसके एम्प्लॉय मना कर देते हैं, और इनका रवैया देख के वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी शक हो जाता है इन पर। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सिक्योरिटी को बुलाएंगे और ये सारी चीज़ें मानबॉक सुन लेता है, जिसकी वजह से वो पांचों वहाँ से भागने लग जाते हैं। और भागते भागते योंदोंग गिर जाता है, उसका एक जूता वहीं रह जाता है। और इनको भागते वक्त कैप्टन री भी देख लेता है, और एट लास्ट कैप्टन री उन पांचों के पास पहुँचता है और उन गले से लगा लेता है। और वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है कि ये लोग नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में क्या कर रहे हैं। सेई भी फिर वहाँ पहुँचती है, उन चारों से मिलती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर सेई उन लोगों को अपने घर पर लेके आती है, जहाँ पर वो पांचों सेई का घर देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और हमें फिर जनरल की बीवी को दिखाया जाता है नॉर्थ कोरिया में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में थी, क्योंकि जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि जब चियोल की गिरफ्तारी हुई थी तो वो भी चियोल के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसकी फैमिली को भी अलग कर दिया गया था। लेकिन मोहल्ले की औरतें जनरल की बीवी का साथ नहीं छोड़ती और सारा सामान लेके उसके घर पहुंच जाती है और उसका हौसला बढ़ाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। सेई कैप्टन री और उसके सारे साथी बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और कैप्टन री के सारे साथी कैप्टन री का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो सेई के पीछे नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आ गया था गुफा के जरिए। कैप्टन री शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसके बाद हम कैप्टन री और मानबॉक को बात करते हुए सुनते हैं, और मानबॉक उसे कहता है कि उसके पिता ने उन्हें भेजा है कैप्टन री को वापस लाने के लिए, और गेम्स ख़त्म होने के बाद उन्हें नॉर्थ कोरिया वापस पहुंचना होगा, वरना उनके लिए तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी और सेई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, लेकिन तुम्हें नॉर्थ कोरिया वापस जाना पड़ेगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। कैप्टन री उसे कहता है कि चियोल सेई को किडनैप करके नॉर्थ कोरिया ले जा सकता है और फिर मेरी फैमिली और मुझे टारगेट करेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं जल्द से जल्द चियोल को यहाँ ही पकड़ लूँ और यहाँ से सेई को बचाने के बाद चला जाऊँ। और ये सारी बातें सेई पीछे से सुन रही होती है। फिर हमें सेई के बाप को दिखाया जाता है जो कि सेई की माँ के साथ बैठा होता है, और उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हें पता है ना सेई नॉर्थ कोरिया में थी, जिससे उसका बाप पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर उसकी माँ कुछ भी नहीं कहती। हमें यहाँ पता चलता है कि सेई के बाप को उसके छोटे बेटे पे पहले ही शक हो गया था, जब सेई का मैनेजर उसके बाप से मिलने आया था और उसको कहा था कि सेई जिंदा है, लेकिन उसके छोटे बेटे ने मना कर दिया था। और उसका शक अभी यकीन में बदल जाता है कि उसके छोटे बेटे ने ही सेई को नॉर्थ कोरिया में रोकने की कोशिश की थी। कैप्टन री फिर चियोल को पकड़ने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है, और जैसे कि मैंने कहा था कि सेई ने कैप्टन री की बात सुन ली थी छुप के कल रात को, इसलिए वो कैप्टन री से कहती है कि अभी मैं खुश हूँ कि तुम्हारे सारे घाव भर चुके हैं, और अगर तुम अभी गायब भी हो जाते हो तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने अपने दिल को समझा दिया है, और तुम फिर नॉर्थ कोरिया वापस चले जाना।
ऐसा कह के वो चली जाती है, लेकिन हमें फिर दिखाया जाता है कि सेरी को ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। वो चाहती थी कैप्टन री को यहीं रोकना, लेकिन वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती थी। सेरी का बर्थडे होता है इसलिए उसकी माँ उसे मिलने आती है, लेकिन सेरी को अभी भी ऐसा लगता है कि वो अपने बड़े बेटे के लिए उससे मिलने आई है और प्रॉपर्टी की बात करने आई है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बचपन में उसकी माँ सेरी को बीच में छोड़ आई थी और उसे कहा था कि वो काउंटिंग करे और शाम ढलने से पहले वापस आ जाएगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं गई और सेरी को उसने वहीं बीच पर छोड़ दिया था। और सेरी बीमार हो गई थी और सुबह तक वहीं बीच पर पड़ी रही थी, तब से वो अपनी माँ पर भरोसा नहीं करती। लेकिन अभी वो उसकी माँ सच्चे दिल से आई थी और उसे बर्थडे विश करना चाहती थी, लेकिन सेरी को अभी भी लगता है कि वो उससे प्रॉपर्टी की बात करने आई है, इसलिए उसकी माँ को वहाँ सुना के वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ चाह के भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि बचपन में उसने जो गलती की थी वो चाह के भी उसे सुधार नहीं सकते थे। फिर हमें सेरी के छोटे लालची भाई को और उसकी बीवी को दिखाया जाता है, जो कि चियोल से मिल रहे थे, और चियोल उससे डील करता है कि वो सेरी को पकड़ के नॉर्थ कोरिया ले जाएगा, लेकिन उसकी सेफ्टी की गारंटी वो नहीं ले सकता, लेकिन उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से सेरी चली जाएगी, ये पक्का था। लेकिन उसका भाई इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, चलो पहली बार तो उसने ढंग का काम किया, और वो मना करके ये कहता है कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज की मीटिंग हुई नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने चियोल से बात की है, इस आदमी को मेरे सामने से हटा दो, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बीवी को तो हम जानते ही है, वो तो एक नंबर की सेल्फिश इंसान है। उसके भाई के जाने के बाद वो उस चियोल को कहती है कि तुमने जैसा प्लान किया है तुम वैसा कर सकते हो, और उसके लिए तुम्हें पैसे लगेंगे और वो मैं तुम्हें दूंगी। और हम देख सकते हैं उसकी भाभी इतनी गिरी हुई है, सेरी को मारने से भी पीछे नहीं हटेगी प्रॉपर्टी के लिए। सेरी फिर वापस घर जाती है और देखती है कि घर में अंधेरा होता है, और उसे ऐसा लगता है कि कैप्टन री जा चुका है, और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है कैप्टन री को याद करते हुए। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि कैप्टन री और उसके सारे साथी वहीं थे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ छुपे हुए थे। लेकिन सेरी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी ये सोचते हुए कि कैप्टन री चला जाएगा, और वहाँ से वो चली जाती है और कैप्टन री उसके पीछे चला जाता है। सेरी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कैप्टन री उसके पीछे जाता है, और सेरी उसे कहती है कि मैं ये दिन हमेशा याद रखूंगी कि मेरे जन्मदिन के दिन तुम यहाँ पे थे, जिस पर कैप्टन री कहता है कि ये दिन हर साल आएगा और हर साल तुम्हें खुश रहना होगा इसी तरह, तो मैं भी ये सोच के खुश रहूँगा कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो जिंदा है और सांसें ले रहा है, और ये कह के उसे गले लगा लेता है। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड 12 का एंड हो जाता है। और इस एपिसोड में हमें देखने को मिला कि चियोल और सेरी की भाभी ने प्लान कर लिया है सेरी को मारने के लिए, और कैप्टन री चियोल को पकड़ने का प्लान बना रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या कैप्टन री इसमें सक्सेसफुल होता है, और क्या सक्सेसफुल होने के बाद वो नॉर्थ कोरिया वापस चला जाएगा सेरी को छोड़ के। तो जैसे कि मैंने कहा है कि इस एपिसोड के एंड में एक एपिलॉग दिखाया जाता है, और एपिलॉग में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन री वीडियो गेम खेल रहा होता है, और तभी वो सेरी का रिकॉर्डर देखता है और उसको सुनने लग जाता है, जिस पे सेरी ने कहा था कि आज उसका बर्थडे है और वो इसी दिन मरने वाली है, और ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की है जब वो स्विट्ज़रलैंड में थी और ब्रिज के ऊपर खड़ी थी और वहाँ से कूदने वाली थी, और उस पर कैप्टन री की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई थी जब वो सेरी को रोकने जाता है ब्रिज से कूदने के लिए। कैप्टन री को भी याद आ जाता है कि कैसे वो स्विट्ज़रलैंड में ऑलरेडी सेरी से मिल चुका था और उसी ने उसकी जान बचाई थी। वो कहता है कि देखा कि हमारा मिलना कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि किस्मत थी, हमारा मिलना तय था। और यहीं ये एपिलॉग ख़त्म हो जाता है। मैं जल्दी मिलूंगी इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी या।